मध्य प्रदेश के वन विभाग की धूम, कुंभ मेले में भी व्हाइट टाइगर सफारी सहित बांस से बनी चीजें लोगों को कर रही आकर्षित। मध्य प्रदेश में जंगल और उसके लाभ को दर्शाती एक प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगे कुंभ मेले में लोगों को आकर्षित करती नजर आ रही है। देश विदेश से आ रहे तमाम श्रद्धालुओं के बीच रीवा के सफेद शेर वाली व्हाइट टाइगर सफारी का स्टॉल अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में सफल होता दिख रहा है। हम आपको बता दें, व्हाइट टाइगर सफारी दुनिया की एकमात्र सफेद शेरों की सफारी है। रीवा को ही दुनिया के सफेद शेर मोहन के लिए भी याद किया जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी सफेद शेर हैं, वो सब इसी मोहन के वंशज हैं। सफारी को सतना जिले के मुकुंदपुर में बनाया गया है। वही स्टॉल में विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बांस से बने वो सामान है जिन्हें आमतौर पर घरों में गृह कार्य और शोपीस के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक नक्षत्र वाटिका भी लगाई गई है, जहां पर राशि के अनुसार पेड़ पौधों को लगाने की जानकारी दी गई है। संबंध में हमारी बात सीसीएफ रीवा अतुल खेड़ा से हुई। आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुंभ मेले में अपनी क्या उपलब्धियां रहीं?
कुंभ मेले में इस बार शासन ने यह निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश वन विभाग का एक वहाँ पे पेविलियन बनाया जाए और उसमें जो भी हमारी विभागीय योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में वहाँ पे उनको प्रदर्शित किया जाए, तथा इसके अलावा जो भी यहाँ सामग्री बन रही है, जो हमारे लोगों को, हमने कई बांस के कारीगर हैं या अलग-अलग जो सोविनियर आइटम बनते हैं नेशनल पार्क में, हमारी जो दवाइयाँ हैं जो संजीवनी में, बरखेड़ा पठानी में बनती हैं वहाँ पे, उनको भी प्रचार प्रसार इस बार करने का विचार शासन में ऐसा रखा गया था। तो एक वहाँ पे हमने एक अपना पेविलियन बनाया था और ये 13 फरवरी से उसको शुरू किया और अभी ये आज तक ये वहाँ पे अभी ये चल रहा है। तो उसमें एक विजिटर बुक मैंने देखा था, तो विजिटर बुक में ये देखने में आया कि करीब 2000 लोग तो उसको एंट्री करे थे, पर उसके अलावा भी अगर देखें तो एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति और कई लोग ऐसे होते हैं जो उसमें प्रविष्टि नहीं करते हैं, तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा। फिर व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों से मैंने बाहर खड़े होकर पूछा तो लोगों को वो पसंद आया स्टॉल, और उसमें करीबन करीबन 90,000 रुपये का तो जो सामग्री हमने रखी थी, दवाइयाँ, बांस का सामान या सोविनियर, वो वहाँ पे उसकी बिक्री भी हुई है। और विजिटर बुक में उत्तर प्रदेश शासन वन विभाग के भी अधिकारी कुछ आए थे, उन्होंने हमारी स्टॉल की प्रशंसा की कि ये एक अच्छी उपलब्धि है कि विभाग ने यहाँ आके दूसरे स्टेट में एक स्टॉल लगाया, जिससे कि कई लोग अवगत हुए। और जैसा आप जानते हैं कुंभ में तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जैसे लोग कि आते अभी हैं। आपने बताया कि कुटीर उद्योग को हमने बढ़ावा दिया और हमने 90,000 रुपये के कुटीर उद्योग के सामान बेचे, तो क्या ये योजना मध्य प्रदेश में आगे भी अपने संभाग में भी जारी रहने की प्लानिंग ये है? देखिए ऐसा है कि हमारे पास सनोरा में ऑलरेडी एक CFC है जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं बांस का सामान बनाने के लिए, और ये जो अभी सामान वहाँ रखा गया है वहीं से निकले हुए 6 अलग-अलग ट्रेनीज जिन्होंने अब खुद अपना काम शुरू किया है, उनका सामान ही हमने वहाँ पे इसमें रखा है। और वो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी के तारतम्य में हमारा एक गांधीग्राम सीधी में भी एक सेंटर था, वो पहले शुरू हुआ था, वो किन्हीं कारणों बस फिर वो नहीं आगे कर पाया, उसको भी हम फिर से अभी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं।